साथियों नमस्कार, एक बार फिर आपके बीच डॉक्टर जितेंद्र कुमार, फार्मासिस्ट ट्रेनिंग मास्टर। साथियों आज हम आपके बीच बात करेंगे जस्ट रेड सीरप। साथियों जस्ट रेड सीरप एक कॉम्बिनेशन सीरप है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जानेंगे जस्ट रेड सीरप है क्या, साथ ही साथ इसके बेस्ट कंपोजिशन की बात करेंगे, यूजेस एंड बेनिफिट की बात करेंगे एंड हाउ टू वर्क जस्ट रेड सीरप इन द बॉडी। कहने का मतलब है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करेंगे, डोजेस, इंट्रक्शन, प्रिकॉशन एंड वार्निंग एंड एमआरपी की बात करेंगे। साथियों जस्ट रेड सीरप इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ फेरस बिसग्लाइसिनेट, साथियों ये देखिए लिखा है इसमें फेरस बिसग्लाइसिनेट एंड जिंक बिसग्लाइसिनेट एंड फोलिक एसिड एंड मेथाइल कोबलामिन सीरप जो है इसका एक कॉम्बिनेशन है। साथियों जस्ट रेड सीरप इज यूज्ड फॉर आयरन डिफिशियंसी एनीमिया, आयरन की कमी से जो एनीमिया होती है उसमें इस्तेमाल करने वाली ये सीरप है। साथियों जस्ट रेड सीरप 150 ml का सीरप है। साथियों ये इसका बॉक्स है, साथियों ये देखिए साथियों, और ये इस तरह का सीरप है। साथियों 150 ml का सीरप है, 180 रुपए का एमआरपी है, सभी केमिस्ट की दुकान पे आसानी से मिल जाएगा। साथियों कंपोजिशन की बात करेंगे तो जैसा कि डिस्क्रिप्शन में बताया, फेरस बिसग्लाइसिनेट 30 mg इसके अंदर मिला है एंड जिंक बिसग्लाइसिनेट 7.5 ml मिला है एंड फोलिक एसिड 0.75 mg मिला है एंड मिथाइल कोबलामीन 250 mcg इसके अंदर मिला है। तो कहने का मतलब है कंपोजिशन सीरप है। साथियों ये नया फार्मूला है, और ये क्या होता है कि जिनको एनीमिया हो जाता है, आयरन डिफिशियंसी एनीमिया हो जाता है, उसमें रिस्पांस बहुत जल्दी आता है, हीमोग्लोबिन तुरंत बढ़ जाता है। एनीमिया साथियों क्या होता है कि खून की कमी जो शरीर के अंदर हो जाती है उसको हम एनीमिया कहते हैं, और उसमें जो क्या होता है कि हीमोग्लोबिन को तुरंत ही बढ़ा देता है और खून की कमी की जो है समस्या को दूर करता है। साथियों यूजेस एंड बेनिफिट की बात करेंगे तो आयरन डिफिशियंसी एनीमिया में इसका इस्तेमाल किया जाता है आफ्टर डिलीवरी। कहने का मतलब है महिलाओं में क्या होता है कि बच्चा होने के बाद जो डिलीवरी होने के बाद जो है क्या होता है, खून की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है, तो उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। और जिन रोगियों को बहुत सीवियर बवासीर होता है, कहने का मतलब है पाइल्स की प्रॉब्लम होती है, तो उनको जो है ब्लीडिंग बहुत कंटिन्यू होने की वजह से क्या होता है कि खून की कमी हो जाती है, ऐसे केस में जस्ट रेड सीरप का इस्तेमाल करेंगे तुरंत ठीक हो जाएंगे। साथियों ट्रीटमेंट ऑफ आयरन डिफिशियंसी एनीमिया एंड एनीमिया ड्यू टू क्रॉनिक किडनी डिजीज, तो उसमें इस्तेमाल करने वाला ये सीरप है। साथियों छोटे बच्चों में क्या होता है कि सडन कभी कभार जो है हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, खून की कमी हो जाती है, आयरन डिफिशियंसी हो जाती है, तो उसमें जस्ट रेड सीरप प्रिस्क्राइब करते हैं डॉक्टर, और बच्चे को देते ही तुरंत रिस्पांस मिल जाता है। साथियों हाउ टू वर्क जस्ट रेड सीरप, वर्क कैसे करता है। साथियों जैसा कि डिस्क्रिप्शन में बताया था, कॉम्बिनेशन सीरप है जिसके अंदर जो है साथियों इसके अंदर फेरस बिसग्लाइसिनेट मिला है, जिंक बिसग्लाइसिनेट मिला है, फोलिक एसिड मिला है, साथ ही साथ इसमें मिथाइल कोबलामाइन कॉम्बिनेशन है। साथियों इसका काम है आयरन डिफिशियंसी की बीमारी को दूर करना, कहने का मतलब है खून की कमी होती है, जो आयरन एनीमिया हो जाती है, तो उसमें इस्तेमाल करने वाली ये दवा है। साथियों फेरस बिसग्लाइसिनेट इज एन एंटी एनीमिक मेडिकेशन, साथियों ये एंटी एनीमिक मेडिकेशन है एंड इट रिप्लेनिस द आयरन स्टोर इन योर बॉडी, आयरन इज वाइटल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यू रेड ब्लड सेल्स। आयरन जो होता है वो क्या करता है कि आरबीसी जो बनती है, आरबीसी का फॉर्मेशन करने में बहुत ही मददगार होता है, और इससे क्या होता है हीमोग्लोबिन सब्सटेंसेस जो है गिव्स दीज सेल्स द एबिलिटी टू ट्रांसपोर्ट द ऑक्सीजन, और वो ऑक्सीजन भी पहुंचाने का काम करती है। साथियों जो इसके अंदर जिंक मिला है वो एक डाइटरी सप्लीमेंट है, जिंक दैट प्रोवाइड इसेंशियल न्यूट्रिएंट, और वो क्या करता है कि हीमोग्लोबिन है जो उसके अंदर इसेंशियल न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है, और जो इसके अंदर फोलिक एसिड मिला है वो एक विटामिन बी का रूप है, कहने का मतलब है विटामिन बी का रूप है एंड इट प्लेस वाइटल रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी सेल्स, रेड ब्लड सेल्स फॉर्मेशन करता है विच कैरी ऑक्सीजन थ्रू आउट द बॉडी, और इससे क्या होता है कि पूरे शरीर में जो है खून की कमी जो है तो दूर होती होती है, साथ ही में क्या होता है कि ऑक्सीजन
ये जो है आदान प्रदान जो है ट्रांसपोर्टेशन करने में बहुत ही मददगार है। एंड इट इज ऑल्सो इसेंशियल इन प्रेगनेंसी एंड डेवलपमेंट ऑफ अनबॉर्न बेबी ब्रेन। कहने का मतलब है जो महिलाओं के अंदर जो है भ्रूण जो होता है, पेट में पल रहा बच्चा होता है, तो ब्रेन के डेवलपमेंट में बहुत ही मददगार ये होती है साथियों। साथ ही साथ ये क्या करती है साथियों कि जो है स्पाइनल कॉर्ड के भी जो है फॉर्मेशन में बहुत ही मददगार होती है साथियों। और जो मिथाइल कोबलामीन है वो एक तरह से विटामिन B12 दैट रिस्टोर दी इट्स लेवल ऑफ बॉडी, और ये क्या करता है एनीमिया और नर्व प्रॉब्लम को जो है दूर करता है, नर्वस सिस्टम को भी स्ट्रांग बनाता है। तो साथियों इस तरह से ये वर्क करता है साथियों। डोजेस की बात करेंगे तो साथियों डोजेस जो है अकॉर्डिंग वेट हाइट और जो है बीमारी के हिसाब से डोज जो है डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं। तो जब भी डॉक्टर के पास जाएं तो जो है अपनी समस्या बताएं अगर कोई पहले से दवाई खाई है। अदरवाइज एडल्ट पर्सन में अगर किसी तरह की समस्या होती है कि आयरन डिफिशेंसी एनीमिया है तो उसको जो है सुबह और शाम 5 ml या फिर 7.5 ml, कहने का मतलब 1 चम्मच या 1.5 चम्मच जो है सुबह शाम लेना है साथी। तो इस तरह से डोज आज प्रेस्क्राइब्ड बाय फिजिशियन, कहने का मतलब ये डॉक्टर अपने जो है विवेक से इसका डोज एडजस्ट करते हैं। साथियों साइड इफेक्ट की बात करेंगे तो इसको इस्तेमाल करने से क्या होता है कि जो भी रोगी इसका इस्तेमाल करते हैं जस्ट रेड सिरप का, तो उनका स्टूल जो है काला मतलब होता है, स्टूल मतलब ब्लैक कलर का होता है। तो इसमें घबराए नहीं, दिस इज वन टाइप ऑफ साइड इफेक्ट। कॉन्स्टिपेशन होने के चांस होते हैं, डायरिया होने के चांस होते हैं, साथ ही साथ नोजिया वोमिटिंग होने के चांस होते हैं। साथियों जब भी डॉक्टर या फार्मासिस्ट के पास जाएं अगर कोई पहले से बीमारी है या दवा खा रहे हैं तो तुरंत बताएं ताकि डॉक्टर या फार्मासिस्ट अपने विवेक से दवाई को लिख सके। जस्ट रेड सिरप का जो है बहुत सी दवाइयों के साथ इंट्रेक्शन है। तो साथियों और एल्कोहल का कंजप्शन जब भी करें कोई भी मरीज तो उसके साथ जस्ट सिरप का इस्तेमाल ना करें। कहने का मतलब है कंजप्शन ऑफ एल्कोहल इज नॉट एडवाइजेबल साथियों। साथियों ब्लूनो सॉलिड केयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड करके फार्मास्यूटिकल कंपनी है, उसका यह सीरप है साथियों। ये इस तरह का सीरप है साथियों, 150 ml का सीरप है, 180 रुपए इसकी MRP है साथियों। इसका रिस्पांस बहुत अच्छा है और इसको डॉक्टर जो है बच्चों में और जिनके अंदर हीमोग्लोबिन की कमी है उसमें बहुत ज़्यादा रिकमेंड करते हैं। तो साथियों इसी के साथ विराम देंगे, किसी तरह की क्वेरी है आप हमें जरूर कमेंट करें, साथ ही साथ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथियों नमस्कार।